हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। मैं आज बनाऊंगी इंस्टेंट तिल गुड़ की लड्डू और बर्फ़ी की रेसिपी, जो बहुत ही आसानी से बिना किसी झंझट के बन जाते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 कप तिल का यूज किया है और गैस का फ्लेम हमें बहुत ही धीमा रखना है और इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए हल्का हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है। तिल को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। यदि आप तिल को बहुत ज़्यादा भून दोगे तो इसका जो स्वाद है वो बहुत ही कड़वा हो जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो यहाँ पर हमारी जो तिल है ये भून चुकी है, तो अब हम इसे अलग से प्लेट में निकाल देते हैं ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाए। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसे एक अलग से ग्राइंडर जार में हल्का इसे दरदरा पीसना है, बहुत ज़्यादा इसे बारीक नहीं पीसना है। तो यहाँ पर हमने तिल को अच्छे से हल्का मतलब ग्राइंड कर लिया है। तो अब हम इसके लड्डू बनाने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 कप तिल का यूज किया है और जो बाकी का जो तिल है उसका हम बर्फी बनाने में यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 कप तिल का मिश्रण लिया है। इसमें हम 1 चम्मच नारियल का पाउडर मिक्स कर देंगे और साथ में कुछ साबुत जो ड्राई रोस्ट किए हुए तिल थे उसको भी हम मिला देंगे। सबसे पहले इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि जो सभी चीज़ें हैं वो इक्वल हो जाए, आसानी से मिक्स हो जाए। इसके बाद हम यहाँ पर ग्रेट किए हुए गुड़ का यूज करना है। तो मैंने यहाँ पर गुड़ की चाशनी का यूज नहीं किया है और ना ही मैंने किसी भी प्रकार से गुड़ को मिक्सर में मेल्ट किया है। इसे हम डायरेक्ट ग्रेट कर लेंगे और ग्रेट करके हमें गुड़ का यूज करना है और इसे हम तिल के मिश्रण में मिला देंगे और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यदि आपको ऐसा लगे कि जो गुड़ है वह थोड़ा सा कम पड़ रहा है या फिर अच्छे से बाइंड नहीं हो रहा है तो आप ऊपर से थोड़ी सी गुड़ की मात्रा और ऐड कर सकते हैं, आपको चाशनी वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसमें चिकनाई के लिए थोड़ी सी घी को मिला देते हैं और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब आप इसे मिक्स करो तो एक बार बीच बीच में थोड़ा सा हाथों से मतलब प्रेस करके आप देख लें कि ये गोल गोल लड्डू जैसे बन रही है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो तिल गुड़ का मिक्सर है वो अच्छे से बंध रहा है। तो अब हम इसकी लड्डू बनाएंगे। तो यहाँ पर जो हमने अलग से प्लेट में गुड़ निकाल के रखा था वो सारा गुड़ जो है मैंने इस मिक्सर में यूज कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसकी फटाफट लड्डू बना लेते हैं। तो लड्डू बनाने के लिए आप थोड़ा सा अपने हाथों में तिल का मिक्सर ले और इसे इस तरीके से हम प्रेस करते हुए गोल गोल राउंड शेप हम दे देंगे और ये जो लड्डू है ये बन करके तैयार हो जाएगी। आप देख सकते हैं वीडियो में कितनी आसानी से बहुत ही गोल गोल तरीके से ये लड्डू बन चुकी है। तो इसी तरीके से हम सारे लड्डू को बना लेंगे। जब आप इस तरीके से लड्डू बनाते हैं तो ये जो लड्डू है खाने में बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लगती है। नहीं तो क्या होता है, हम लोग गुड़ की चाशनी का लड्डू बनाते हैं तो वो क्या होता है, खाने में बहुत ही ज़्यादा कड़क होता है। तो यदि आप इस तरीके से लड्डू बनाएंगे तो ये खाने में बहुत ही ज़्यादा आपको सॉफ्ट लगेगा। तो एक एक करके हम इसी तरीके से सारे लड्डुओं को हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे सारे तिल गुड़ के लड्डू जो है वो बहुत ही आसानी से बन करके रेडी हो चुके हैं बिना किसी झंझट के। ना ही हमें चाशनी बनाना पड़ा, ना ही हमें इसे मिक्सर में पीसना पड़ा। मैं आपको इसके तोड़ करके दिखाती हूँ ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है। तो अब हम बर्फी बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक कढ़ाई में 1 कप दूध डालेंगे, साथ में 1 कप शक्कर ऐड करेंगे और साथ में 1/2 कप घी का यूज करना है। गैस का फ्लेम हमें बहुत ही धीमा रखना है और घी के मेल्ट होने तक वेट करना है। यदि आपके पास पिघला हुआ घी है तो आप पिघला हुआ घी का भी यूज कर सकते हैं। जब घी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें, मैं यहाँ पर 1 कप की क्वांटिटी में मिल्क पाउडर का यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमें गैस का फ्लेम धीमा ही रखना है और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि कहीं से भी गुठलियाँ ना रहने पाए। तो जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देंगे और इसे हमें मीडियम फ्लेम पर लगातार हिलाते हुए पकाना है। और इस मिल्क पाउडर का हमें खोवा नहीं बनाना है, नहीं तो ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि मिल्क पाउडर है, दूध है तो इसका खोवा बन रहा होगा। यहाँ पर हमें खोवा नहीं बनाना है, बस इसकी क्वांटिटी जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाए और ये गाढ़ा हो जाए, बस उतना ही पकाना है। इसके बाद हम इसमें धीरे धीरे करके जो अपना तिल का पाउडर का जो मिक्सर है वो धीरे धीरे करके हम ऐड करेंगे और इसे हम लगातार हिलाते रहना है। तो एक ही बार में हमें तिल का यूज नहीं करना है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में हम तिल हम डालते जाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए पकाते जाना है। और गैस का फ्लेम इस स्टेज पे हम थोड़ा हाई कर देंगे
और जब यह मिक्सर गाढ़ा होने लगेगा तो गैस का फ्लेम हमें बंद कर देना है और इसे हम अलग से घी लगे हुए प्लेट में इसे सेट होने के लिए निकाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट को पहले से घी से ग्रीस कर लिया था और उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा तिल को स्प्रिंकल कर दिया था। इसमें हम अपने तिल के जो बर्फी का जो मिक्सर इसे हम निकाल देंगे और इसे हमें अच्छे से फैला देना है, एक बराबर जैसा सेट कर लेंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा तिल को स्प्रिंकल कर देंगे, यह दिखने में भी अच्छा लगता है। और इसे भी हम स्प्रिंकल करने के बाद अच्छे से सेट कर लेंगे और ये जो आपकी बर्फी है जो तिल की, ये बन करके रेडी हो जाएगी। आप इसे रूम टेम्परेचर पर भी ठंडा होने के लिए छोड़ सकते हैं या फिर आप इसे फ्रिज में भी ये रख सकते हैं। तो ये जो हमारी तिल की जो बर्फी है, तिल मावा बर्फी, ये बन करके रेडी है। आप देख सकते हैं, इसे मैंने रूम टेम्परेचर पर 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था सेट होने के लिए और ये अच्छे से सेट हो चुकी है। तो अब हम इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसे बहुत ही ध्यान से हमें निकालना है। यदि आप इसे फ्रिज में छोड़ोगे तो ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगी। मैंने इसे रूम टेम्परेचर पे छोड़ा था 1 घंटे के लिए। तो सारे एक एक करके सारे बर्फी को हम निकाल देंगे और इसे अलग से प्लेट में हम रख देंगे और इसके ऊपर से हम तिल स्प्रिंकल कर देंगे और ये आपके तिल मावा की जो बर्फी है ये बन करके रेडी हो जाएगी।